फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की, तो जैसा कि हमने अपने पिछले फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि 6 जुलाई को हमें डॉन 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, तो ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई? इस पर डॉन 3 की प्रोडक्शन कंपनी ने कहा है कि जुलाई के महीने में हमें कई टीजर और ट्रेलर देखने को मिले थे और जुलाई के महीने में ही हमें रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने को मिलेगी। तो मेकर्स ने कहा है कि अगर बॉक्स ऑफिस पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सक्सेसफुल होती है तो मेकर्स अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में डॉन 3 की ऑफिस अनाउंसमेंट करेंगे। और मेकर्स ने यह भी कहा है कि इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें रणवीर सिंह न्यू डॉन के लुक में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है, फरहान अख्तर आमिर खान की फिल्म चैंपियन के रीमेक में और रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग में बिजी हैं, तो रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग बैजू बावरा के बाद स्टार्ट करेंगे। वैसे आप डॉन के कैरेक्टर में कौन से एक्टर को देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में बताएं। डॉन के दुश्मन डॉन के हाथों मरने के लिए ही पैदा होते हैं। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार से एक अपडेट है। आपको बता दें, अपडेट यह है कि सलार फिल्म के मेकर्स ने यह पोस्टर डालते हुए कंफर्म किया है कि प्रभास की इस फिल्म का ट्रेलर हमें अगस्त के चौथे हफ्ते में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, सलार एक पीरियड एक्शन फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ श्रुति हसन और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, सलार एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जो 28 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। वैसे आपको सलार का टीजर कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बाद जानवी कपूर जल्द ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू करने वाली हैं। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि जानवी कपूर जल्द ही एक तमिल फिल्म करने वाली हैं, जिसमें हमें जानवी कपूर के अपोजिट प्रदीप रंगनाथन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म को डायरेक्टर विग्नेश सिवन डायरेक्ट करने वाले हैं और विग्नेश सिवन ने ही इस फिल्म की कहानी को लिखा है। आपको बता दें, डायरेक्टर विग्नेश सिवन पहले इस फिल्म को सुपरस्टार अजीत कुमार के साथ बनाने वाले थे, पर अजीत कुमार ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। उसके बाद डायरेक्टर विग्नेश सिवन इस फिल्म को प्रदीप रंगनाथन के साथ बना रहे हैं और वहीं इस फिल्म को कमल हसन की प्रोडक्शन कंपनी राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल प्रोड्यूस करने वाली है। आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म से जुड़ी कई अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी आने वाली फिल्म दी वैक्सीन वॉर को 28 सितंबर 2023 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, दी वैक्सीन वॉर एक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें नाना पाटेकर और अनुपम खेर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, अगर ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो ये फिल्म डायरेक्ट प्रभास की फिल्म सलार से क्लैश करेगी। अभी तक विवेक अग्निहोत्री ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, तो देखना होगा कि दी वैक्सीन वॉर की रिलीज डेट क्या होती है। वैसे क्या आप दी वैक्सीन वॉर और सलार का क्लैश देखना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म योद्धा की रिलीज डेट चेंज हो गई है। जी हाँ, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्शन कंपनी यानी धर्मा प्रोडक्शन ने यह ट्वीट करते हुए बताया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की यह फिल्म हमें 15 सितंबर 2023 को देखने को मिलेगी। आपको बता दें, योद्धा एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर पुष्कर ओझा और सागर अंबरे ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ राशि खन्ना और दिशा पटानी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म का टीजर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, इस टीजर का रन टाइम 1 मिनट 11 सेकंड का होने वाला है। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। वैसे आपको क्या लगता है, मेकर्स इस फिल्म को बार बार पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।